तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज के वीडियो में हम 100 मीटर के लिए क्यू आर कोड देखेंगे और कुछ एक्सरसाइज देखेंगे। उस एक्सरसाइज को करने के बाद दोस्तों उस एक्सरसाइज को आपको रोज करना है। और 100 मीटर के लिए कुछ ऐसे वर्कआउट बताऊंगा, उस वर्कआउट को अगर आप अच्छे से करते हो तो आपका टाइम जल्दी कम आएगा। और दोस्तों उस वर्कआउट को आपको रोज करना है। और कुछ रेपिटेशन बताऊंगा कि उस रेपिटेशन को अगर आप अच्छे से करते हो, वीक में 2 बार करते हो, तो आपका टाइमिंग जल्दी कम होगा। और दोस्तों 100 मीटर अच्छा करने के लिए आपको अच्छे से पहले वार्म एक्सरसाइज अच्छे करना चाहिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अच्छे से करना चाहिए। और एक अच्छा, अगर आपको 11 सेकंड का लाना है, अगर आपको आपका टाइमिंग 12:50 जाता है, उसके बाद 13:50 जाता है, तो आपको कम करने के लिए अच्छे से वर्कआउट करना चाहिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको 100 मीटर अच्छे से करना है और आपका टाइमिंग बाहर जाता है, तो दोस्तों आपको मैं जो भी बातें बताता हूँ आप अच्छे से देखना। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। आपको जो वार्म एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज दोस्तों ये कंपलसरी रोज करना है और अच्छे से करना ही है। 100 मीटर अच्छा करने के लिए ये तो आपको करना ही चाहिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कंपलसरी करना चाहिए, क्योंकि इससे बॉडी अच्छे से खुलती है, आप अच्छे से वर्कआउट कर पाते हो। और दोस्तों अगर आपको टाइमिंग अच्छे से लाना है, तो दोस्तों ये 2 एक्सरसाइज आप हर रोज करना। कौन से? ए स्किप। एक सबसे पहला एक्सरसाइज है ए स्किप। आपको बॉडी को स्ट्रेट रखना है और आपका जो घुटना है उसको घुटना आपको ऊपर उठाना है। आप हर रोज दोस्तों इस 2 एक्सरसाइज को करो। सबसे पहला इस तरह से आपको ए स्किप करना है, बॉडी को स्ट्रेट रखना है और आपको घुटने को आपको चेस्ट तक उठाना है। और आप 25 मीटर में इसको 2 बार को रोज अगर करोगे तो कोई बात नहीं दोस्तों, आपका परफॉर्मेंस अच्छे से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आपको 15 मीटर स्ट्राइड लगानी है और स्पीड से एक्सरसाइज करो। दूसरे एक्सरसाइज में आप यहाँ पर हाई नहीं करो, आपको 90 डिग्री तक इस तरह से आपको पैर को उठाना है। और आपका अगर कंपटीशन नज़दीक आ रहा है तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को स्पीड से करो। और अगर आपका कंपटीशन 1 मंथ रहा है तो आपको इस एक्सरसाइज को स्पीड से करना है और 20 से लेकर 25 मीटर में आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ये 2 एक्सरसाइज आपको दोस्तों रोज करना, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपको दोस्तों 30 मीटर और 40 मीटर का स्टार्ट की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि दोस्तों स्टार्ट की प्रैक्टिस करने से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आपका स्टार्ट में ही दोस्तों 1 सेकंड तक जाता है। अगर आपका स्टार्ट फास्ट होगा तो आपका टाइमिंग कम होगा। वीक में आप 2 बार स्टार्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको 30 मीटर से लेकर 40 मीटर तक, 30 मीटर के आपको 4 रेपिटेशन लगाने हैं और 40 मीटर के 4 रेपिटेशन लगाने हैं। और आप वीक में दोस्तों 2 बार इस तरह से प्रैक्टिस करना। आपको झुक के दोस्तों स्टार्ट लेना है। यहाँ पर स्टार्ट में किस तरह से ले रहे हैं देखो, अगर आप स्टार्ट के प्रैक्टिस करोगे तो आपका टाइमिंग कम आएगा, क्योंकि अगर आपको 100 मीटर का टाइम अच्छा लाना है तो आपका स्टार्ट दोस्तों अच्छा होना चाहिए। आप आगे जाकर अच्छे से आपका जो स्पीड होता है वैसे ही आप रनिंग कर पाते हो। और इसलिए दोस्तों आपको 30 मीटर के 4 और 40 मीटर के 4 रेपिटेशन लगाओ, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और दोस्तों इस तरह से प्रैक्टिस करना, मैंने ये 2 एक्सरसाइज बताए, 2 या 3 एक्सरसाइज बताए, इसको आप अच्छे से करते हो तो आपका टाइमिंग जल्दी कम होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।